हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है क्यू एन ए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप वहाँ पे क्या करते हो, या फिर अदर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइस, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पे क्या जॉब करते हो। तो मैंने इस पर पहले वीडियो बना रखा है एक। मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करता हूँ एज अ शेफ़। और कई सारे पूछ रहे हैं लोग कि आप वर्क परमिट पे हो कि स्टडी पे। तो गाइस, मैं वर्क परमिट पे आया था यहाँ पे। और कई लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ पे पीआर का क्या सीन है। तो गाइस, यहाँ पे पीआर आपको 5 साल बाद मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको कंपलसरी यहाँ की लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हो तो फिर आपको पीआर मिल जाता है 5 साल बाद, लेकिन 5 साल से पहले नहीं मिलता है, 5 साल लगते हैं पूरे। और गाइस, कई सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि वहाँ पे डाटा प्लान क्या है और वाईफाई का क्या सीन है, अनलिमिटेड कितना क्या है। तो गाइस, यहाँ पे 175 में अनलिमिटेड है, आप कितना भी यूज कर सकते हो। और आपको सिम 30 सेक से मिल जाती है, 30 सेक से ले सकते हो आप सिम, और या फिर यहाँ पर टेलीद्वा की कंपनी है, वहाँ से ले सकते हो। टेलीद्वा है, HTHR है, तो कोई भी सिम ले सकते हो आप। और उसमें 175 में अनलिमिटेड है, 150 GB अनलिमिटेड है उसमें। तो और गाइस, मनी ट्रांसफ़र ऐप है यहाँ पे, ट्रांसफ़र वाइज करके है, तो उससे आप मनी सेंड कर सकते हो। तो जो आपका मनी है वो एक्स्ट्रा जाएगा। अगर आप 10,000 को ना बेचते हो तो उस पर 5 या 6,000 एक्स्ट्रा जाएंगे आपके, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट होता है आपको। तो ट्रांसफ़र वाइज यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है इंडियन बंदों के लिए, या फिर जो बाहर से हैं बंदे उनके लिए। और गाइस, अगर आप बैंक से बेचते हो या वेस्टर्न मनी से बेचते हो, तो गाइस उसमें आपका चार्ज लगता है एक्स्ट्रा। तो ट्रांसफ़र वाइज बेटर है, उससे आपका पैसा सेव होता है, और इंडिया भी या फिर कहीं भी आप भेज रहे हो तो बढ़ के जाता है पैसा, तो काफ़ी बढ़िया है, हम उसी को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो गाइस, काफ़ी सारे लोगों को कमेंट लैंग्वेज से रिलेटेड आ रहे हैं कि वहाँ पे लैंग्वेज का क्या सीन है। तो गाइस, यहाँ पे इंग्लिश चलती है, बाकी जो लोकल लैंग्वेज है क्रोएशियन वो चलती है। 80% यहाँ पे इंग्लिश चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे इतनी, और बाकी क्रोएशियन चलती है। तो इंग्लिश चलती है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती आप। तो गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में आप फिर से मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।